अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक, सुबह के सारे रंग ए प्लस के संग आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मौसम इंजॉय कर रहे हैं, दो दिन से मौसम बहुत खुशगवार है और हम भी इंजॉय किए हैं। कल आपने हमें देखा कि हमने आपको बताया कि आपने अपना जो वेदर है वो कैसे इंजॉय करना है और घरों में बैठ के, घर से बाहर निकल के, आइस लॉलीज खा के, अच्छे अच्छे खाने खा के, या कहीं पार्क्स में जा के, या फिर कोई गेट टुगेदर करके, तो इस तरह आप लोग अपना ये मौसम इंजॉय कर सकते हैं। और आज भी मौसम बहुत अच्छा है। नॉर्मली इन मौसम में हम एसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, घर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ना गर्मी सही तरीके से आती है और ना विंटर्स को हम खैर बात कहते हैं, तो बीच के मौसम में थोड़े थोड़े मस्कीटोज भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमें काट रहे होते हैं, बिंग बिंग कर रहे होते हैं जगह जगह, तो रेपलेंट्स लग रहे होते हैं, स्प्रेज हो रहे होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं। मगर पूरे मुल्क में मौसम बहुत खुशगवार है और मैं बड़े खुशगवार मूड में कह रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इन दिनों में। तो मौसम के साथ साथ अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो जैसे मौसम बदलता है, वैसे कहते हैं ना, जब आपका मौसम बदलता है बाहर वाला तो दिलों का मौसम भी बदल जाता है और आपका बैरूनी मौसम जिसको आप कहते हैं कपड़ों का मौसम, ट्रेंड्स का मौसम, तो वो भी बदल जाता है। आपका दिल चाहता है कि आप ट्रेंडी कपड़े पहने, आपका दिल चाहता है कि अब मौसम बदल गया, आप अपनी वार्डरोब को वापस अंदर रखें, कोई नई वार्डरोब निकालें और उस वार्डरोब में कोई कलर चेंज करें, कलर पैलेट नहीं लेकर आएँ, कोई ट्रेंड लेकर आएँ, स्टाइल लेकर आएँ। व्हाट्स इन व्हाट्स आउट, हम मैगजीन्स देख रहे होते हैं, हम किताबें देख रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ चीजें देख रहे होते हैं, तो उसका भी हमने एक सब्स्टिट्यूट निकाल लिया। अब सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट हमारे पास आज होंगे पाकिस्तान के बहुत बड़े डिजाइनर, लाइक ही हैज बिग नेम। अब आई एम नॉट गोना रिवील द नेम राइट नाउ क्योंकि मैं थोड़ी देर पर बताऊंगी कि हमारे साथ कौन है, मगर उन्होंने पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम किया है एंड ही इज ब्रिंगिंग समथिंग न्यू फॉर अस, तो वील फाइंड आउट व्हाट्स न्यू और कलर पैलेट कौन सी चल रही है, ट्रेंड्स कौन से आ रहे हैं, 2023 का सबसे ज़्यादा जो इन कलर होगा वो कौन सा होगा और आगे जो फैशन वीक्स आ रहे हैं तो व्हाट विल बी द कलर लाइन, व्हाट विल बी द कलर पैलेट, व्हाट विल बी द कट लाइन, सो वील टॉक अबाउट इट। और इसके अलावा मैं ये बताती चलूँ कि जब स्किन की बात होती है, मौसम से रिलेटेड हमारे स्किन की भी बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। स्किन को रिजुवेनेट कैसे करना है, स्किन को डिहाइड्रेट कैसे करना है, स्किन को हाइड्रेट कैसे करना है, कहीं मॉइस्चर आ जाए, कहीं ऑयली हो जाए, कॉम्बिनेशन स्किन है हमारी, जिस मर्जी, मैं इतना बोल रही हूँ मुझे सांस भी नहीं आ रहा, मगर मैं अब बताऊँ कि आज मेरा ना ऐसी चीज़ें जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ कि मैं ये सारा कुछ जानना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो स्किन से रिलेटेड मेकअप कौन सा इन है, स्किन के मेकअप्स की बात करें तो आजकल ग्लॉसी मेकअप इन है, मैट मेकअप इन है, या बहुत ही वार्म मेकअप इन है, या बहुत लाइट मेकअप इन है, तो इन सारे ट्रेंड्स का आज हम जिक्र करेंगे। मेकअप के बारे में जब बात की जाती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी प्रोडक्ट। काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्रोडक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, तो प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसका पिगमेंट कितना ज़्यादा है, उसका उसकी बेस फट तो नहीं रही, कोई मार्क्स तो नहीं आ रहे और पिगमेंटेड है या नहीं है, और आपको मौसम के हिसाब से अपने स्किन केयर कैसे करना है, तो ये सारे ट्रेंड्स के बारे में आज हम आपको ये भी बताएंगे। और मुझे पता है मेरी जो प्यारी लेडीज़ हैं, जो हमारी घर में जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं, उनको जल्दी जल्दी से होगा कि वो जाएं और अपना घर में चूल्हा ऑन करें क्योंकि बच्चे भी 2 बजे घर आ जाएंगे और खाना भी बनाना होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम आपको ये ना बताएं कि आपने अपने घर में क्या बनाना है। तो हमारा जो सबसे कहते हैं ना कि फेवरेट दिल का जो सेगमेंट है, कहते हैं ना जब खाना बनाया जाए तो वो दिल से बनाया जाए, और उस दिल की बात करें तो वो हमारा किचन नज़र आता है हमें, तो हमारा जो किचन का सेगमेंट है वो भी होगा और हम आपको बताएंगे कि किचन में आज हम कौन सा लजीज पकवान बनाएंगे और आप लोगों ने फ़ौरन वो जाके अपने घर में ज़रूर बनाना है। वो इसलिए बनाना है ताकि हमें पता लग सके कि जो हमने बनाया है उसकी रेसिपी कैसी थी और वो आप हमें बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और क्या होगा, और म्यूज़िक होता है, म्यूजिक का तड़का कहीं ना कहीं होता है, खाने की बात हो और म्यूजिक की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज के शो में म्यूजिक भी होगा और हम बहुत सी बातें भी करेंगे और हम किचन में भी जाएंगे, हम लाइव मेकअप भी आपको दिखाएंगे कि मेकअप ट्रेंड्स कौन से हैं, हम कट लाइंस पर भी बात करेंगे, हम ओवरऑल एक सेलिब्रेशन करेंगे, एक मौसम जो चला गया है और दूसरा मौसम जो आ रहा है, समर्स को हम वेलकम कर रहे हैं। तो ये आज हम आपको बताएंगे कि आपने मौसम गर्मा को वेलकम कैसे करना है। तो इस वेलकम नोट पे मैंने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक,
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मैं आपको बता रही थी कि ट्रेंड्स की अगर बात की जाए, स्टाइल की बात की जाए, कट की बात की जाए, तो हमारे साथ कौन होना चाहिए? हमारे साथ बाकी एक ऐसा डिज़ाइनर होना चाहिए जो कि हमारी पर्सनालिटी को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, मतलब कि बना दे, सवार दे, हमें खूबसूरत हम दिखें, वो हमें पूरी इमेज कंसल्टेंसी दें। तो आज हमारे साथ वही एक शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी लोगों को संवारा है और कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम छाया हुआ है। तो आई वॉन्ट टू इन्वाइट सलमान हाई। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरी दुनिया में यू बीन वर्किंग कमिंग फ्रॉम लाइक 3-5 कंट्रीज, सो हाउ डू यू जस्ट मैनेज दिस? इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, ट्रैवलिंग इज, यू नो, दीस डेज, लाइक पहले तो कोविड था, उसकी वजह से काफ़ी हमें मुश्किल आई कि ट्रैवल करना और सारा कुछ, यू नो, SOPs फॉलो करना। और फिर यू नो यू हैव टू कैरी ऑल द लगेज, यू नो यू हैव टू डू एवरीथिंग, हाँ, जोड़ा लेके जाना, हाँ, उनको बेचना लोगों के लिए होता है ना कि बहुत आसान हाँ। होता है बाहर जाने, एग्जीबिशंस होनी, पर पाकिस्तान से पूरी प्रोडक्शन लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। साइजिंग और ईद से पहले ऑर्डर्स देना, ये आप, मतलब कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कैसे होता है, आप अकेले करते हैं? बहुत मुश्किल होता है, वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन ये कि अभी मैं रिसेंटली आया हूँ, लाइक 15 डेज बैक मैं कनाडा गया हुआ था और मेरा कोई 15 डेज का ही था, एग्जीबिशन थी, लाइक 6 दिन एक जगह पे थी, 2 दिन एक जगह पे थी, मिस सागा थी, एक पैरहंस मल्टी ब्रांड स्टोर है, शी कैरी ऑल द डिज़ाइनर्स फ्रॉम लाहौर, हाँ, शी हैज़ अ वेरी वेरी गुड स्टोर इन कनाडा इन मिल्टन। तो I've got like exhibition for there for like 6 days and it was really good. तो सबसे ज़्यादा response Eid पे मिलता है या अगर summers आ रहा है, summers मिलता है या कोई wedding होती है? मिलता है और you know ईदों पे तो definitely मिलता है, और फिर जब जैसे season start होता है, जैसे spring है अब, तो अब summer की तैयारी हो रही है, तो उससे पहले आपको you know you have to be very you know tight your belts and everything, like उस पर of course आपने focus करना होता है, पूरा summer होता है, and हमारे यहाँ पे तो summer वैसे ही बहुत लंबा होता है। तो समर पे ये होता है कि यू नो ऑफ कोर्स हमें पहले थोड़ा सा लाइक समर आते हम लोग दिसंबर जनवरी से ही हम लोग उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज, लाइक अब देखते हैं, लेट्स सी अब आगे समर आ रहा है, अब इस दफा अभी तक तो बहुत अच्छा, तो आगे देखते हैं कैसा चलता है अब समर। आर यू वर्किंग ऑन योर लॉन कलेक्शन? आई डोंट नो, आई डोंट डू लॉन्स टू बी ऑनेस्ट, नेवर कॉटन्स, नेवर लिनन्स, आई एम ओनली इन सिल्क्स एंड क्रेप्स प्योर। Okay. हाँ, and मेरा जो प्रेट भी है वो भी सारा मेरा क्रेप और उस पे प्योर पे है, सिल्क पे। सलमान, प्योर की प्राइस को रीच का आउट करना, तो अब बहुत वेरी डिफिकल्ट, डॉलर बढ़ता जा रहा है, हमारा इम्पोर्ट जो है वो आ रहा है, एक्सपोर्ट हमारी है नहीं, तो हाउ डू यू जस्ट मैनेज द प्राइस? बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल हो गया, अब ये हमारा जो प्रॉफिट है ना वो बहुत कम हो गया, पहले हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा होता था। प्रॉफिट है कितना ये ना पूछो, जी नहीं होता और ये नहीं होता, नहीं, वी डू हेल ऑफ, इफ यू नो है ना, आप भी काम करती हैं, आप if you're doing something different other than the market you can sell your product, theek hai, aapko pata hai ki aapke product mein itna dam hai, theek hai, if I can sell my one shirt in 180 or 200 so that means it worth it, and that's I've been selling it $180-$200, theek hai, okay. I'm talking about in dollars, not okay. in rupees, theek hai, ye dekhe na international, so I only deal in dollars, agar mujhe koi query bhi aati hai instagram pe, I only deal in dollar, main rupees mein karta hi nahi hu, because I'm based, मैं सारा कुछ, हाँ हाँ, तो मैं सारा कुछ इसको मैं डॉलर्स में ही रखा हुआ है, डॉलिंग्स और पाउंड स्टर्लिंग, यू नो पाउंड स्टर्लिंग इज गोइंग हाई, इट्स रियली हाई दिस डेज, अच्छा, वेरी नाइस। तो इस सलमान, अबाउट योर कट लाइन, आई हैव बीन लाइक फिडलिंग योर पेज, आपका कट लाइन इज वेरी अमेजिंग,
not very contemporary. It's in between. In between, yeah. तो ये कट लाइन के बारे में कभी सोचा नहीं, because you've been showcasing Canada में, America में, London में, like you know, तो वहाँ के लिए कट लाइन आपने different क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ये कट लाइन ऐसी है ना, ये हर बंदा पहनता है, इससे कोई बंदा नहीं. आप एक साइड से ऊंचा पहन लेंगी, एक साइड से छोटा पहन लेंगी, ये पहन लेंगी, काफ्तान पहन लेंगी, पोंचो, बट दिस इज एक रेगुलर कट लाइन जिसको आपने फॉलो करना ही करना है और आपके पास होनी होनी आपके वो. यू डोंट नीड टू एक्सपेरिमेंट. नो, आई एम नॉट एक्सपेरिमेंटल, बट आई एम एक्सपेरिमेंटल ऑन माई, यू नो, माई एम्ब्रॉयडरी, माई प्लेसिंग, लाइक कहाँ हमने कुछ प्ले करना है, जो भी कर. आई एम एक्सपेरिमेंटल ऑन दैट, बट आई एम नॉट एक्सपेरिमेंटल ऑन द कट लाइन. सो इट्स अ वेरी रेगुलर कट लाइन, बट यू हैव टू हैव योर ओन फिट. कि आपके, अब मेरा कोई जो स्मॉल होता है वो अगर कोई एक्स्ट्रा स्मॉल भी है तो पहन सकती है, और मेरा जो लार्ज है वो कोई स्मॉल भी पहन सकती है. हाँ, इस टाइप का है. तो इट्स नॉट लाइक कि हमें वी हैव टू हैव लाइक द टिपिकल. पिक्चर्स आपकी चल रही हैं और वी कैन सी योर कट लाइंस ऑन द स्क्रीन एज वेल. अभी रिसेंटली, अच्छा था, रिसेंटली, या दैट्स अमेजिंग, वेरी डिफरेंट. आप कलर कॉन्ट्रास्ट इज वेरी, बहुत मजेदार सा है, ब्लैक एंड रेड, और ब्लैक एंड रेड हमेशा से बड़ा चलता है. एंड इट्स अ गोटा वर्क. It's a gota work. Yeah. Achha, very English cut, sort of. And she's a gori. She's a gori. Yeah. And having very traditional work. Yeah, yeah. So I can make a full shirt with it. मैं इसको पूरी shirt बना सकता था, but मैंने इसको fusion किया. You know, crop top के साथ मैंने कहा something like. और I think Salman, I've been observing कि Pakistan में ज़्यादा लोग trendy हो गए हैं. Comparatively बाहर नहीं पता. वो हमसे पूछो तो क्या है? वो पिछले सालों पीछे पीछे बैठे होते हैं. Although they are the Western world, ऐसा ही है. बिल्कुल 100. I agree. क्योंकि वो लोग इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं. Now this is so amazing. Then again, blacks and reds. I think black is your prime color in entire collection. अभी मैं, I've been to Canada. I've got like, I think more than 40 pieces in black. And they all were sold out. Alhamdulillah, all were sold out. Yeah, yeah. और पता है, लोग लगते हैं कि हम पतले लगेंगे. पतले. You know, the darker, the slimmer you look. हाँ, the entire color. और ये बड़ा अच्छा color palette है कि आप darks में ज़्यादा करते हो. क्योंकि पेस्टल कलर्स के साथ फिर बहुत एक्सपेरिमेंट होता है. पेस्टल्स में आपको बहुत एक्सपेरिमेंट होता है. और ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पेस्टल्स हों, ऑफ वाइट्स हों, पीचेस हों, मिंट ग्रीन्स हों, आइस ब्लूज हों, पीचेस, लाइट पिंक्स, तो उनको हम लोग इधर कोशिश करते हैं. लेकिन आपको बताऊँ, जो अभी भी जो हेल्दी लोग हैं, जो हेल्दी खवातीन हैं, ब्लैक में भी आउटफिट नजर आ गया विद अ लॉट ऑफ गुड फ्लोरल्स. एंड आई लव योर फ्लोरल कलेक्शंस. इट हैज अ वेरी गुड डिटेलिंग. इसकी जो डिटेलिंग हुई हुई है उसमें बहुत इंट्रिकेट वर्क है, इंक्लूडिंग फ्लोरल्स, इंक्लूडिंग छोटा छोटा मोती सीक्वेंसेस है, सरोस्कीज है, बीड्स है, और कहीं की पर्ल्स भी नजर आ रहे हैं. तो इट्स अमेजिंग कॉम्बिनेशन. ऐसा कॉम्बिनेशन है कि नॉर्मली लोग ये पहनते हैं. कोरा दबका से आई थिंक लोग अवॉइड करते हैं. मैं कोरा दबके में बहुत कम जाता हूँ. जस्ट वो मैंने अपना एक फॉर्मल लाइन के लिए रखा हुआ है, जो मेरा ब्राइडल है, जो मेरा जो हैवी फॉर्मल है, उसके मैं, उसके अलावा मैं प्रेट में आई डोंट डू कोरा दबका. यू जस्ट डू मोती, या सीक्रेट सरोस्की, पर्ल्स, क्रिस्टल्स, ऑल सीक्वेंसेस. यू नो, इट्स मोर इंग्लिश, इट्स मोर वेयरेबल, इट्स, एंड यू नो, इट लुक्स, इट्स ब्लिंग. एंड यू नो, अगर थोड़ा सा भी होगा तो वो स्पार्क करेगा. अगर इतना सा भी कुछ बना होगा तो इट, यू नो, इट स्टैंड्स आउट. कोरा दबका के नो कोरा दबका इज, यू नो, इट्स हमारा यहाँ पे जैसे शादी शुदी का होता है, और उस पर हम लोग कोशिश, हमारा एक ट्रेडिशनल है. तो उस, मैंने एक चीज़ को ना उसके लिए रखा है. मैंने प्रेट को उसके अंदर मिंगल नहीं किया. मैंने अपना प्रेट जो है उसको बहुत इंग्लिश रखा हुआ है, एम्ब्रॉयडरी में. जो प्रेट लाइन है उसका स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से है? लाइक इफ पीपल वांट्स टू बाय सलमान हाई एंड दे गोना, यू नो, सर्फ योर पेज, सो वहाँ स्टार्ट कहाँ से होगा? मेरी जो शर्ट्स की प्राइसेस है, लाइक 15,000 से स्टार्ट होती है फॉर पाकिस्तानी. 15,000 फॉर पाकिस्तान, दैट्स इकोनॉमिकल. हम ऊंचा भी कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक. आई लव दिस ब्राइडल ऑफ योर्स, इट्स अमेजिंग. इट्स कोरल एंड रेड. It's coral and it's burnt orange and red. Okay, yeah. Sort of burnt orange and red, but it's bada iska gher. Ye abhi shaadi mein nahi sahi hai milke. Usne, she is wearing that. Very nice. Gher bahut zyada hai. It's 12 gaz. 12 gaz ka gher hai. तो प्राइस भी तो बहुत ज्यादा होगी. और मेरी मेरी नीस थी, इसने मेरी बहुत जान खाई हुई थी. आपने प्राइस कंट्रोल करनी है. तो ये सारा हाथ का काम, सारा हाथ का काम, टोटल. हां हां. एंड आपने कितना ड्यूरेशन लगा आपको? यार ऑफ कोर्स टाइम लगता है. तुम पता है, इनमें चीजों में काम लग जाता है. हां, बहुत ज्यादा.
तो ब्राइडल आप यू बीन डूइंग इट यू नो आपको तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए माशाल्लाह मुझे कहां पता मैं तो आपसे सीख रही हूं कि आप ट्रैवल बहुत करते हो और पूरा कलेक्शन लेके करते हो इट्स द बिग थिंग आई नो आई हैव बीन ट्रैवलिंग बट समटाइम्स यू जस्ट गेट टायर्ड वो समेटना काम करना अब मैं अपना करता हूं आप सोचो मैं साल में एक पहले अपना करता था और मैं एक अपना करके आई वाज डन मैं उसके बाद हिम्मत नहीं होती थी कुछ करने की लेकिन अब पिछले 3-4 सालों से मैं काफ़ी रेगुलर हूँ लाइक मैं लंदन भी जाता हूँ अमेरिका भी करता हूँ कनाडा भी है इस बार मैं दुबई भी करूँगा मेरा है हाँ इस बार बहरीन भी जाऊँगा तो न्यू मार्केट इट्स अ वेरी न्यू मार्केट एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया भी है मेरे माइंड में इंशाल्लाह वेरी अमेजिंग तो सलमान के साथ हमारा जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू कार्स एंड वी आस्क हिम के व्हाट्स इन फैशन नाउडेज तो छोटी सी ब्रेक पे जाना है आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग धनक आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ और बातों का सिलसिला हमारा ऑफ कहते हैं ना कि ऑफ कैमरा भी जारी था हम इतनी बातें कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना हम ऑन एयर आके बातें कर लें तो सलमान बड़ा मज़ा आ रहा है कि आपसे बहुत सी चीज़ें मैं सीख रही हूँ और आप बिल्कुल 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 और आप जिस तरह कह रहे हैं कि अभी मैं ये भी कर रहा हूँ मैं वो भी कर रहा हूँ तो मैं कह रही हूँ कि व्हाई नॉट हमारे भी कुछ काम कर दें आप कपड़े लेके जाएं और सेल करें और हमें भी प्रॉफिट दें खुद भी प्रॉफिट कमाएं जरूर एनी टाइम बस डन है ये मैंने ऑन एयर पूछी आपसे डन 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 लेकिन नहीं आई लव योर ब्लैक्स कलेक्शन लुक वेरी रिदमिक वेरी नाइस कलेक्शन कभी पढ़ा प्रॉपर स्टडीज है नहीं सी योर दिस इज योर पैशन पैशन के आगे हर चीज मान कर शुरू से शौक था डिजाइनिंग का शुरू से शौक था बहुत ज़्यादा बस पहले बड़ी एक लंबी स्टोरी है लेकिन कट इट शॉर्ट के आई वाज अ बैंकर मेरी एक ही जॉब थी आफ्टर माय एमबीए या और मैं उस जॉब पे गया माय चीफ मैनेजर वाज अ बिग नेम फ्रॉम पाकिस्तान तो उसकी बीवी करती थी ऐसे कोई छोटा मोटा उसका रन करती थी वो बाइक जैसा कपड़े शपड़े लेके जाती है 99-2000 की बात है तो मेरे साथ एक लड़की होती थी आलिया बड़ी अच्छी मेरी कलीग होती थी काफ़ी मोटी होती थी उसका ऐसे ही जोड़ा मैंने एक डिज़ाइन करके दिया तो मैं चीफ मैनेजर कॉल मी इन के तुमने एक डिज़ाइन किया मैंने कहा और चलो तुम ऐसा रात को मैं बीवी से मिलाओ मैं तुम्हें मिलाता हूँ और तुम ना उसके लिए कुछ करो मैंने कहा अच्छा ठीक है 6,000 मेरी सैलरी थी 99 में बैंक की और उसने मुझे कहा कि ये पड़े हुए कपड़े तो मैंने उनसे कुछ डिज़ाइन कर दो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड तो मैंने उसको कहा कि अच्छा चलो तुम मुझे ये कर दो ये कर दो ये कर दो उसके लड़के को मैंने कहा एंड शी वेंट टू लंदन उसने तो बेचा मजेदार स्टोरी है ये काफी लंबी है हम अभी ना समाप्त करते हैं पूछती हूँ समाप्त करनी है हमने स्टोरी बगैर हमारे साथ और भी गेस्ट हैं और गेस्ट का तारुफ मैं कराऊँ तो होस्ट भी है मेकअप आर्टिस्ट भी है और एक्ट्रेस भी हैं और उनकी जो डिफरेंट ट्रांजिशन वीडियोस होती हैं सोशल मीडिया पे फैली हुई हैं तो मैं इनवाइट करती हूँ मोमिना बतूल साहिबा को बहुत बुरा हुआ मुझे नजर लगी है मैं बता रही हूँ इतना कुछ तुमने बोला है ना मुझे नजर लग गई शुक्र है तुम स्लिप अब पूरा पूरे तरीके से स्लिप मैंने खुद को संभाल लिया ना संभाल लिया और अच्छी बात ये है कि आई थिंक वो फ्लोर थोड़ा सा ना आज उस पे वो हुआ है पॉलिश ये मेरे से किसी ने बदला लिया है सेट पे मैं बता रही हूं नहीं मोमिना इट्स लाइक अमेजिंग नहीं नहीं आई नो इट्स लाइक अ फैमिली और यू नो हो जाता है बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें हो जाती है तो वैसे ही बड़े शहर से आई हो छोटे शहर में नहीं नहीं शहर तो ये भी अपना है सारे शहर अपने हैं अच्छा कराची से आके और इधर मजेदार से काम करती हो अगर आपने मोमिना को देखना है तो सोशल मीडिया पे देखें शी इज सो अमेजिंग विद हर वर्क नहीं नहीं मैं लाइव भी आती हूं ऐसी बात नहीं है सोशल मीडिया पे लेकिन हमारा वो टाइम होता है ना वो कंसाइड कर रहा होता है जब आप टीवी पे होती तो मैं भी टीवी पे होती तो मैं आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे देखती हूं ये तो है तो मोमिना व्हाट्स अभी आजकल क्या हो रहा है आजकल यार कुछ नहीं मेकअप का बहुत ज़्यादा क्रेज छाया हुआ है हर तरफ और थोड़ा बहुत मेकअप मुझे करना आ गया हाँ। तो मेरे घर वाले भी मुझसे करा लेते हैं रिश्तेदार करवा लेते हैं मोहल्ले की ब्राइड्स तैयार कर लेती हूँ तो सबने यही बोला कि तुम मेकअप बहुत अच्छा करती हो तो मैंने ट्राई किया तो वो बहुत अच्छा हो गया तो शुक्र है अल्लाह का प्रैक्टिस कैन मेक एनीथिंग बेटर तो इसलिए मतलब कर आई एम इन लव विद योर आई मेकअप एक्सपेरिमेंट्स ऑन आई मेकअप शी हैज डन
Her eyes. Yes, designer खड़े में उधर I love that ना कि जब आप कुछ नया try करते हो करना चाहिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ और मैं करती रहती हूँ कभी makeup में कभी कपड़ों में आजकल कपड़ों का और makeup का इतना craze मुझे भी छाया हुआ है मैं सुन रही थी आपकी सारी बातें क्योंकि fashion जो है हम फैशन को कितना बदल लेंगे हम फैशन को तब बदलेंगे जब हमें हमारे साथ वो आएंगे ना तो फैशन का खाना हमें डाइजेस्ट करने के लिए हमें खाना भी चाहिए तो हमारे पास जो हमारी जो शेफ हैं मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं इनवाइट करती हूँ शेफ हुमा को जल्दी से बुलाना चाह रही थी मैंने कहा तुम जल्दी जल्दी से बताओ कि आज हमारे लिए क्या बना रही हो क्योंकि आज बहुत से गेस्ट भी हैं खवातीन और ये तो खवातीन का फेवरेट टॉपिक है ना कपड़े हो गए मेकअप हो गया और खाना खाना सिर्फ खवातीन का नहीं है सबका ही फेवरेट है और हमें मुझे ये लगता है कि मॉर्निंग शो में आप सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं लोगों को लोग अपनी अवेलेबिलिटी देख के और चीजें देख के आइडियाज हाँ ले सकते हैं बहुत तो आज आप क्या आइडिया दे रही हैं अच्छा आज मैं एक श्वामा बना रही हूँ लेकिन श्वामा पॉकेट श्वामा होगा और सादे से उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और वो मैं बताऊँ की अच्छी बात है कि हुमा इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ना वो नहीं एम्फसाइज करती कि आपने ये लेकर आना है बना इसके बगैर आपका खाना नहीं बनेगा जो किचन में अवेलेबल है खाने के जरिए आप स्टार्ट करें मैं आपके पास जाती हूँ थोड़ी देर तक ठीक है और मोमिना आपका स्टेशन जो है मुझे नजर आ रहा है उस तरफ मोमिना का स्टेशन है मोमिना आज बड़ा जबरदस्त सा मेकअप करेंगी जिस तरह वो विंगी आईज विंगी मतलब कि टेढ़ी नहीं विंग आईज और उसके बाद डिफरेंट लाइनर पता है लाइनर का भी एक ट्रेंड होता है बड़ा डिफरेंट ट्रेंड आप बहुत डिफरेंट किस्म के हैं आपको मैं बताऊं एक स्ट्रेट है एक विंग वाला आईनर है और उसके अलावा एक फॉक्सी आईलाइनर है और बहुत सारे इस तरह के मुझे तो आईलाइनर्स अभी मैं तो प्रैक्टिस करती हूं शुरू करते हैं ना अपना मेकअप वहां हमारे साथ मॉडल हैं सलमान आप भी चलें क्योंकि आपको भी बहुत पता है मोमिना मैं भी आपसे पूछती हूं कुछ चीजों के बारे में क्योंकि बहुत जरूरी होता है सिया हमारे साथ मौजूद है वो आज मॉडल कह रही हैं आज की हमारी मॉडल है सिया और सिया पहले ही बहुत खूबसूरत हैं इनको और खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है कि हम इनको और प्यारा बनाएं अच्छा वेरी नाइस तो वैसी प्यारी हैं तो हाँ, अच्छा हाँ। इनके फेस के ऊपर मोमिना व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू विल बी एक्सपेरिमेंटिंग एक्चुअली फेस थोड़ा सा इनका ब्रॉड है तो हमने क्या करना है ऑब्वियसली हमने इनका फेस थोड़ा छोटा दिखाना है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत सारा कंटोर कर देंगे दिस इज नॉट द टेक्निक टेक्निक कुछ और है वो मैं आपको मेरा एक सीक्रेट है वो मैं क्यों बताऊं नहीं एक्चुअली इनका जो फेस है ना माशाल्लाह से पहले भी प्यारा है ऐसी बात नहीं लेकिन थोड़ा सा यहाँ से जो गाल है चीक बोन्स उनके जो है वो ज्यादा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है काला कंटोर नहीं करना है ये भी बड़ी एनाटॉमी होती है पहले बंदा हम जो डिजाइनर जो होते हैं वो पूरे फिगर को देख रहे होते हैं कि आपका पियर शेप फिगर है आपका स्ट्रेट फिगर है आपका स्लिम आपकी ब्रॉड शोल्डर्स है हमें कपड़ा उस हिसाब से ड्रेप करना है इस तरह मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपका बोन्स देखें हुडी आईज हैं आंखें अंदर की तरफ हैं इनकी आईज जो है वो मतलब दरमियानी है ज्यादा बड़ी भी नहीं है ज्यादा छोटी भी नहीं है लेकिन हम इसको और ज्यादा एनहांस करेंगे ताकि ये फेस पे इनकी जो बोन्स हैं वो छोटे लगे आईज बड़ी लगे जो फर्स्ट लुक आती है ना तो वो इनकी इंशाल्लाह ताला अच्छी लगेगी जब होस्टिंग करती हो जब ड्रामास में काम करती हो तो अपना मेकअप खुद करती हो मैं अपना मेकअप अच्छा अपना मेकअप तो वो प्रोडक्शन टीम को कोई मसला नहीं होता कि नहीं ये लुक नहीं आएगी नहीं पहले एक्चुअली ड्रामास में इस तरह का होता है क्योंकि उनको एक ऐसी लुक चाहिए होती है जो उन्होंने क्रिएट की होती है अब मेरा अपना शो है यू नो तो वो तो मेरा शो है तो मेरे शो में तो कोई बोल ही नहीं सकता मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ और ड्रामास में कभी होता था जब पहले मैं करती थी लेकिन अभी जो है अपना शो होस्ट कर रही हूँ तो उसमें शो भी मेरा मेकअप भी मेरा और मर्जी भी मैं खुद भी मेरी ये अच्छा था मैं खुद भी मेरी तो सर अभी सलमान से भी पूछना है कि सलमान इनको आउटफिट होते तो कौन सा पहनाते या क्या ड्रेप करते अभी सलमान पे भी सारी बातें आएंगी
और मोमना के पास भी मैं जाऊंगी। नहीं सलमान से तो मैं भी पूछूंगी कि मेरे भी क्या सूट करेगा आज कल के। सलमान बना के भी देंगे। हाँ बिल्कुल, सलमान को बना के देना चाहिए। तुम लोग लगता प्रोडक्शन बाकी बंद कर दिया। नहीं 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 इंशाल्लाह ताला हम जरूर आएंगे। तो अभी हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है व्यूअर्स, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक। और मॉडल जो सिया हैं वो हमारे साथ हैं। हमने इसको खड़ा किया इसलिए क्योंकि सलमान ने ब्लैक ड्रेसिंग की है एंड इट्स अ वेरी वेस्टर्न ड्रेसिंग सलमान। तो सलमान यू विल टेल कि इस ब्लैक के ऊपर क्या आप सजेस्ट करेंगे मोमना को, क्योंकि मोमना नोज हर ओन टेक्निक्स बट बीइंग अ डिजाइनर बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंटायर लुक, ओवरऑल लुक? ओवरऑल लुक ये है कि इसका थोड़ी सी स्मोकी आईज होनी चाहिए विद नो मेकअप लुक। यू नो इट्स समर तो ज़रा वाइब्रेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सटल होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है नो मेकअप के साथ थोड़ी सी स्मोकी आइज़ हों, और अगर आप लिपस्टिक थोड़ी सी लाइक पीची या थोड़ी सी जैसे ब्रॉन्जी में चले जाएँ तो न्यूड्स में तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी मेरा ख्याल है पर्सनली। क्यों प्लेन ब्लैक है, अगर इसमें कोई कलर्स ज़्यादा हम डालते हैं तो शायद वी कैन गो विद सम कलर्स, यू नो कुछ शेड्स में कर लेते हैं या लिपस्टिक्स में कर लेते हैं ब्लशेज में। तो मेरा ख्याल है नो मेकअप लुक स्मोकी आइज यू नो इट्स मोर मॉडर्न। अच्छा नॉर्मली हमने ये भी ट्रेंड देखा हुआ है कि जब ब्लैक होता है तो विमेन यूजेस रेड लिपस्टिक। रेड व्हाई? आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। नहीं वो अच्छा, मैं मोमिना के पास भी जाके क्वेश्चन पूछूंगी। मोमिना के ब्लैक एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन है कपड़ों में तो समझ में आता है, कपड़ों में तो नहीं, मेकअप में नहीं अच्छा लगता, मेकअप में नहीं मुझे नहीं लगता। बहुत क्लासी लुक आती है उससे, बिकॉज आपकी जो आईज होती हैं वो बिल्कुल मतलब न्यूड होती हैं या डल होती हैं, गोल्ड में आप ले जाते हो। अगर आपका लिप्स जो है वो वाइब्रेंट कलर होगा रेड होगा तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट लगेगा, आपका अच्छा लगता है ब्लैक के ऊपर। अच्छा, और अगर हम आईज को थोड़ी स्मोकी कर दें और फिर अच्छा लगेगा ब्लैक के साथ? एक्चुअली आजकल जो है हम वही सिया को ले जाते हैं, जो है वो ज्यादा इन नहीं है, लेकिन हम इस वक्त जो समय के लिहाज से बात कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर जैसे थोड़ी आईज अगर स्मोकी हो और फिर उसके साथ नो मेकअप लुक तो वो बड़ी एक नीश लुक आती है, एक बड़ी मॉडर्न जो आ जाती है मेकअप की वो भी अच्छा लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रेस, ड्रेसिंग के साथ मैं आपको बता रहा हूं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेकअप टेक्निक्स के अगर आपकी आईज जो हैं वो आप ब्लैक कर देंगे तो आपकी लिपस्टिक न्यूड होती है, और अगर आप लिप्स को आप रेड कर देंगे तो आपकी आईज न्यूड होती है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे हम यहाँ पे ब्लैक कर दें यहाँ रेड लग कर दें ज्यादा वो अजीब सा लगता है। डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट एक पेज पे क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि हमेशा ये होता है, ये हमारे साथ भी होता है, हमारे पास जो कस्टमर आता है क्लाइंट आता है तो जब हम उनसे चीजें पूछ रहे होते हैं कि आपका जोड़ा जो हमने बनाया है मेकअप किसका है, तो मेकअप में वो अब शेड्स लेकर आते हैं, झुमके का शेड लेकर आते हैं, ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये थोड़ी थोड़ी चीजें ना हमें बीइंग डिजाइनर, मैं बात करी नॉट बीइंग अ होस्ट, इवन सलमान इज देयर, सलमान विल सेकंड मी इफ ही थिंक्स अबाउट इट। सलमान हम मेकअप के ऊपर हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत आती हैं, ये क्यों है, हम एक पेज पे क्यों नहीं होते? यू नो जो जो ब्यूटिशियन होती है जो मेकअप आर्टिस्ट वो समझती है जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। नहीं 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 नॉट लाइक दैट, नहीं जनरली वैसे लोगों का ये होता है। एक्चुअली डिजाइनर्स की एक अपनी टेक्निक्स होती है, मेकअप जो होता है इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, यू नो इट्स लाइक कि आप किसी फैंटेसी में चले गए हो और आप वो मेकअप आर्टिस्ट का एक अपना ही दिमाग है। एक जैसे आज ये ब्लैक है ठीक है, जैसे हम बात करें पूरा जोड़ा लाल है, लाल जोड़े के साथ आप लाल लिपस्टिक लगा के अगर बैठ जाओ, नहीं वो बहुत बुरा है। पीपल डज, पीपल डज, आई विल टॉक अबाउट, क्योंकि हम ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं तो हमें बता सकते हैं कि भाई ये चीज अच्छी लगेगी, बट इट गोरा रंग है, इट लुक्स क्लासी, यू नो अगर नाइट का इवेंट है, रात का इवेंट है, आपने रेड जोड़ा पहना है, रेड लिपस्टिक लगाई है, तो आपकी आईज न्यूड होंगी, आपका जो ब्लश ऑन है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, पीची सा होगा, यू नो एक वो भी बड़ी अच्छी लुक होगी, ब्रॉन्जी लुक आएगी। इसका मेकअप स्टार्ट करो, बिल्कुल हम देखना चाह रहे हैं कि आपकी किस तरह आप टेक्निक्स क्या है। तो आप मेकअप इसका स्टार्ट कर लें इंशाल्लाह ताला, अभी जब हम स्टार्ट करेंगे, जब डन करेंगे तब आप हैरान हो जाएंगे ये पहले कैसे थी और कैसे थी। बिफोर एंड आफ्टर, अच्छा वो तस्वीर भी लगाई थी बिफोर एंड आफ्टर, बिकॉज़ आई नो व्हाट आई हैव डन और आई यू नो मुझे खुद पे पूरा यकीन है।
तो सलमान ब्लैक आउटफिट पे अगर हम बात करें तो ब्लैक्स के साथ प्ले ऑन करना आसान होता है? आई थिंक आसान होता है. आसान होता है. ब्लैक इज मोस्ट सेफेस्ट एंड द मोस्ट सेलेस्ट. सबसे ज्यादा निकलने वाला ब्लैक होता है, चाहे वो लाइक गर्ल कोई थिन सी लड़की हो या थोड़ी कोई अगर मोटी भी हो, नो ब्लैक इज ऑलवेज देयर. ब्लैक आपका कभी भी नहीं आपका आउट होता है. ऐसा हुआ है कभी? एक छोटी सी मैं बात करूंगी कि अक्सर अगर हम कहते हैं कि आप हेल्दी हैं या मोटी हैं, वो थोड़ा ऑफेंड होती है. मेरे साथ एक दफा हुआ था अमेरिका में, वो लेडी थी, उनको मैंने कह दिया आंटी, उन्होंने कहा चिट्टी तुम्हारी दाढ़ी है तुम मुझे आंटी कह रहे हो, मैंने वहां से कोई कपड़ा पांच जोड़े निकलवा के छोड़ के चली गई. फिर अगले दिन उनकी फ्रेंड को लेके तो आप इनसे अपोलोजाइज करें तो यू नो वुमेन्स गेट ऑफेंडेड. लाइक अभी तो हम जनरली आई एम जस्ट लाइक कि कहना बुरी बात नहीं होती, बट हमारा काम है. मतलब अब आप रिस्पेक्ट, अब देखो वो बूढ़ी काफी थी, मैं ना 80 की करीब होंगी उनकी एज होगी, तो मैंने उनको आंटी मतलब एक रिस्पेक्ट यू नो बाय नेम भी बुला सकता था, लेकिन ये कि वो बस कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं. बट इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. पतला मोटा डज नॉट मैटर, मैटर इज द क्लोथिंग यू बीन वेयरिंग, द आप किस तरह उसको कैरी कर रहे हो और कितना प्यारा लग रहा है. पता सबसे अच्छी एक चीज है कि आप कैरी क्या कर रहे हो, द वे यू कैरी, यू नो इट्स ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट सेल्स एंड ऑफ द डे. We'll ask about you. हम अभी पूछेंगे कि कैरी करना आप कैसे सिखाते हैं लोगों को भी. अक्सर होता है ना कि हम ड्रेप करके बताते हैं कि आपने साड़ी का पल्लू है वो कैसे ड्रेप करना है, आपने कैसे लगना और कितने ज्यादा फोल्ड देने हैं. अगर आप हेल्दी हो तो फोल्ड कम दो ताकि आप बल्की ना लगो. ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी. बट अभी मैं बताना चाहती हूँ कि हमें एक बहुत ही प्यारी हमें मेहमान है, सिंगर है, उन्होंने ज्वाइन किया है, पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी गा चुकी हैं, सराइकी भी गाती हैं, पॉप भी गाती हैं और भी बहुत कुछ गाती हैं. तो मैं इनवाइट करती हूँ अमन अली को. अमन आप थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. आज हमें आप क्या सुना रही हैं? खूबसूरत सॉन्ग महनाजी का गाया हुआ उर्दू सॉन्ग, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार. अच्छा, वेरी नाइस. अच्छा इस गाने, ये तो गाना बड़ा अच्छा गाना है और बड़ा मज़ा आएगा आपसे सुन के. तो अभी हम लेकिन ब्रेक के बाद जाना है हमें, ब्रेक के बाद हम आपसे सुनेंगे क्योंकि हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है, कमर्शियल ब्रेक है इधर. तो कमर्शियल के ब्रेक के बाद वापस आते हैं. गुड मॉर्निंग धनक. Thank you.
सूरत अमन बहुत प्यारा आपने गाया है, बहुत शुक्रिया। ये शुरू से शौक था गाने का कह सकते हैं। अच्छा जी, कब स्टार्ट किया था, किस एज में? मैंने आई थिंक मैं 18 अच्छी थी जब मैंने स्टार्ट की। से गा रही हैं आप जी, तो कोई उस्ताद हैं, रियाज वगैरह कहाँ करती हैं? जी जी, मेरे उस्ताद हैं इजाज़ तवक्कल खान साहब फ्रॉम बहावलपुर, और रियाज तो आपको पता ज़रूरी होता है। फिर आज फिर जरा सुबह सुबह हम मॉर्निंग में उठने के आदी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, मॉर्निंग की तो फिर आवाज भी, तो फिर वो कहते हैं ना मॉर्निंग वाली होती है सुबह। Yes. सुबह हम लोगों को भी जगह कहते हैं कि जागो जागो, देखो Yes. हमें। तो सलमान आ जाए आप भी, आप भी जाग जाए, क्योंकि आपने भी जाके बहुत कुछ अभी करना है। अभी तो हमें बताना है कि भाई हमें खूबसूरत कैसे लगना है मजीद, यू नो। तो सलमान किचन में जो है वो भी हमारी वैसे ही हमें जगा देती है। हुमा इतना अच्छा खाना बना बना के, हुमा आज जो आप रैप्स बना रही हैं? आज मैं शवामा बना रही हूँ, पॉकेट शवामा। और नॉर्मली यही होता है जिस तरह आपने कहा कि रैप, और श्वामा की जो ब्रेड होती है वो मिल जाती है आपको इजीली, और उसको रैप कर दिया जाता है। उसको ज़रा दुबा के उसको अच्छे से सेक देते हैं, और उसके बाद उसको उसके अंदर जो है फिलिंग करके उसको रोल कर देते हैं, और उसके बाद बटर पेपर के साथ उसको सर्व कर देते हैं। लेकिन मैंने आज कुछ और करना है। अच्छा अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने ब्रेड ली है और उसको सेंटर से जो है मैंने इस तरह से पॉकेट्स बना ली हैं। ये पीटा ब्रेड है? बिल्कुल पीटा ब्रेड है, और इसको सेंटर से नाइफ के साथ मैंने खाली करके इसकी पॉकेट्स बना ली हैं। आप जरूर देखिएगा क्योंकि आप ट्रैवल बहुत करते हो तो इजी। अच्छा जी, ये पॉकेट्स जो है इसके अंदर मैं आप करूंगी फिलिंग। फिलिंग आप अपनी मर्जी से जी कर सकते हैं। मैंने एक पिकल इसके साथ बनाया जो शवामे के साथ आप देखेंगे बड़े लवाजमात पड़े होते हैं। एक तो योगर्ट सॉस मैं इसके साथ ज़रूर बनाती हूँ, और योगर्ट सॉस की भी मैं रेसिपी बता दूंगी जल्दी से। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है पिकल, और पिकल के लिए मैंने क्या किया है, मैंने वेजिटेबल्स जो शवामा रैप हम करते हैं उसमें लंबी सब्जी आप काट के डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ी सी छोटे साइज में काटी है। ऑलिव्स डाल लें, गाजर डाल लें, इसके अलावा शिमला मिर्च है, आप अपनी मर्जी की और अवेलेबल जो वेजिटेबल्स आपके पास हैं वो इसके अंदर जो है शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा इसके अंदर लेमन जूस है, अनियंस हैं, ओलिव्स हैं, इसमें कैरेट्स हैं, और सिरका है, और थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाल के इसको मैंने ओवरनाइट रख दिया था। एक दो दफ़ा आप हिला लें, लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पिकल जो है ये हमारा रेडी हो गया है। अच्छा जी, अब इसके साथ जो योगर्ट सॉस है उसके लिए मैंने दही और मायनीज
जो है वो इक्वल लिया था, उसको अच्छे से फेंट लिया था। हर्ब आप कोई सा भी ले ले, मेरे पास दिल था, ओरिगैनो था, थोड़ा सा लेमन जूस, या फिर जो पिकल्स हमारे यहाँ बने हुए मिलते हैं, जिस तरह गर्किन्स हैं, एलोपिनोज हैं, जो सिरके में डिप हुए हुए जो जार्स में, जार्स में, वो आप थोड़ा सा सिरप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ जो है इसको मैंने अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी माइनस थोड़ी सी नमकीन होती है, बात आप सही कह रही हूँ हुमा, क्योंकि नॉर्मली लोग कह रहे होते हैं ये हुमस है या ये कोई और सॉस है, हमें नहीं पता, हमें टेस्ट बड़ा डिफरेंट लग रहा होता है, क्योंकि अगर आप गल्फ में जाओ तो इट्स वेरी मच कॉमनली अवेलेबल। बिल्कुल, और थोड़ा सा गार्लिक और थोम इसको कहते हैं जी, बिल्कुल, और उसको जो है आप ये सॉस, इसकी योगर्ट योगर्ट बना लें आप, गार्लिक योगर्ट सॉस बना ली। मैंने चिकन जो मैंने मैरिनेट किया है इसके अंदर मैंने दड़ा मिर्च इस्तेमाल की है, थोड़ी सी, क्या होता है जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, लेमन जूस है, बिल्कुल, और उसके अलावा थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट और पेपरिका, पेपरिका पाउडर, बिल्कुल, और सादी सी मैरिनेशन है, कोई इसको आपने जो है ना और इसको जो है अभी मैं कर लूंगी कुक, और कुक करने के बाद हमने करना ये है, असेंबल करना है इस शवारमे को, और करना इस तरह से है कि सलाद के पत्ते लिए, आइसबर्ग मैंने नहीं ली क्योंकि देखने में भी थोड़ा सा ये मजे का लगेगा, जिस तरह से मैं आपको इसको बनाना बताऊं। सैलेड लीफ का कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आइसबर्ग का कलर ना वाइट, थोड़ा डल हो जाता है, बिल्कुल, टेस्ट में नो डाउट उसका डिफरेंट टेस्ट होता है। इस तरह से मैंने ले लिए हैं दो लीव्स, सलमान इतने गौर से देख रहे हैं यहाँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ है। अच्छा जी, इस तरह से मैंने ये लगा लिया, उसके साथ आपने इससे पहले बेशक आप ये जो आपकी सॉस है वो लगा लीजिए, उसके ऊपर जो है आप थोड़ा सा ये जो सैलेड है वो हम ऐड करेंगे, और सबसे लास्ट पे जो है हम चिकन ऐड कर लेंगे, जो चिकन हमारा कुक हो रहा है, तो जब चिकन भी साथ में ऐड होगा तो ये बड़ा मज़े का जो है ना देखने में मज़े का लगेगा। लेकिन मेरे पास एक पाइपिंग बैग पड़ा हुआ है ना, वो मुझे पास कर दें, और जब ये सारे मैं इस तरह से पॉकेट शवा में बना लूँगी और इस तरह लगा दूँगी, तो उसके टॉप पर जो योगर्ट सॉस बच जाएगी वो मैं डालूँगी इसमें, और जो इसका मुँह है उसके ऊपर थोड़ी सी ड्रिजल कर दूंगी। मजे कि आप जब कुछ जो कुछ बनाते हो, अगर आप प्रेजेंट अच्छा नहीं करोगे तो फिर आपका दिल भी नहीं चाहेगा कि पता नहीं क्या आप बना हुआ है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, बिल्कुल, ये मैंने हुमा से यहाँ सीखी है कि प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है, कि कोई चीज़ नॉर्मल भी आपके हो ना, घर में कोई इंग्रेडिएंट हो, आप कुछ ना कुछ को बनाओ, आप प्रेजेंट ऐसा करो कि दिल चाहे आपका आप खा लो जल्दी, बिल्कुल, और ऐसी पॉकेट्स बच्चे बच्चों के लिए बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसी कलरफुल चीज़ें। दूसरी बात ये कि आपके इंग्रेडिएंट्स में ना न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा है, वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी आ गया, फैट भी मिल गया, कार्ब्स भी मिल गए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इन आवर लाइफ्स, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इसको बनाएं, क्योंकि हमने खाने हैं और खा के जाएंगे, और सलमान जो है ज़ाहिर है वो खा के जाएंगे। छोटी सी आप ब्रेक लेते हैं, गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक, और किचन में जो हमारी एक्टिविटी थी वो जारी है, वो एक्टिविटी ये थी कि हमने शवरमा पॉकेट्स, बिल्कुल, मैं नाम भूल जाती हूँ, मैं बार बार अपने शेफ से पूछ रही हूँ, ये मैं सही नाम ले रही हूँ, वो तैयार हैं, और जिस तरह उन्होंने बताया था वो प्लीज़ वो करके दिखाएं, बिल्कुल, वो भी मैं करके दिखा देती हूँ, कौन और कौन इन करके और सॉस कैसे आपने, मेरे हाथ थोड़े से ना गंदे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काम भी है। अच्छा चले आप फिर मुझे हेल्प करेंगे, खोले, खोलती हूँ इसको, यू वांट मी टू पोर, बिल्कुल, वो चम्मच के साथ आप इसमें पोर कर दें, ऐसे कर देते हैं, और मजीद चम्मच भी बिल्कुल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा बस, हमारी प्रोडक्शन टीम हमें पीछे से कह रही है बहुत भूख लगी हुई है, डेफिनेटली ये प्रोडक्शन टीम को भी खाएंगे और हम भी खाएंगे साथ साथ, तो हम सब मिलके खाएंगे इसको। और सलमान इज लाइक, इतने मैंने इतने गौर से किसी बंदे को खाना नहीं देखा, कैसे बनाना नहीं देख कभी देखा कि वो बनाते हैं ना, इस तरह से आप ड्रिजल करते हैं इसके ऊपर, आप साथ में सर्व भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने डिप की सूरत में आप डिप्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास नाइफ नहीं थी तो मैंने फोक से इसका जो है
उसको पंचर करके इट लुक सो यमी एंड यमीलिशियस. इसमें कैलोरी काउंट इतना ज़्यादा तो नहीं होगा? डेफिनेटली मैं पूछूं शेफ से बार-बार. अच्छा इस तरह है कि सॉस चूंकि योगर्ट में बनाई है मैंने, हाफ मायोनीज है और हाफ योगर्ट है, तो अगर आप टोटली उसको मायोनीज में बनाते हैं तो वो थोड़ा अच्छा, जो लोग डाइट कर रहे हैं तो वो ग्रीक योगर्ट यूज कर सकते हैं, डाइट मायो यूज कर सकते हैं साथ में. That's very important. और सैलेड का जो है वो थोड़ा सा वो ज्यादा कर लें सैलेड उसमें, तो इसमें कुछ नहीं. और इवन के और ब्रेड भी जो है आप जो ब्रेड भी है वो भी ब्रान में मिल जाती है आपको, पीटा ब्रेड वो कर लें, उसको टोस्ट थोड़ा ज्यादा कर लें और उसके साथ आप सर्व कर सकते. तो हमारी जो डिश है वो तैयार है. ये इतने आसान इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप लोग जल्दी से जाएं और अपने किचन्स में जाएं और चिकन निकालें, उसको लाइट से मैरिनेट करें, पिज्जा ब्रेड ये जो पीटा ब्रेड सॉरी वो मंगवाएं और उसको इस तरह फिल करें और मौसम के साथ चाय के साथ इसको एंजॉय जल्दी जल्दी बना लें जितनी जल्दी हमने एक ब्रेक में बना लिया. बिल्कुल एक ब्रेक में बनाएं और ये बहुत जबरदस्त बनाया है आपने हुमा. थैंक यू अमेजिंग थैंक यू. ये भी हम ट्राई करेंगे. बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी बट मैं जाऊंगी अपने मेकअप स्टेशन की तरफ. हमारा मेकअप स्टेशन इस वक्त जो है वो जारी है और सलमान ऑब्वियसली इट्स वेरी बिजी. और सलमान ब्लैक के ऊपर यू हैव थोड़ा सा इख्तलाफ कि हमने रेड लिपस्टिक यूज करनी है या नहीं करनी. तो आज रेड लिपस्टिक की लड़ाई है कि हमने यूज करेंगे नहीं करेंगे और मोमिना हमें बताएगी कि मोमिना करेगी कि नहीं करेगी. मोमिना करेंगी मेरे ख्याल. एक्चुअली देखिए जो लुक है वो बहुत ही सॉफ्ट है और मोमिना ने मैंने देखा कि जो आई मेकअप है वो उसने लाइट रखा है तो अब मेरे ख्याल वो रेड करेंगी. थैंक गॉड आप मुझसे. नहीं मैं अंडरस्टैंड कर रहा था लेकिन मैं ये कहते कोई एक चीज अगर डार्क हो तो दूसरी चीज लाइट होनी चाहिए. एक्चुअली आई जस्ट वांट कि समर है तो समर में अगर आप लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क कर लेते हैं ना तो वो चलता है. लेकिन अभी इतनी गर्मी है, गर्मी में स्मोकी आईज आप लेके जाओगे तो इट लुक्स सो बैड. आई जस्ट थॉट पर्सनली मेरा ये शायद मैं ठंडे मुल्कों से हूं इसलिए मुझे लग रहा है. अब आप गर्म मुल्क में आ चुके हैं. बहुत ज्यादा गर्म यहाँ पे. 2 मिनट में यहाँ पे लोगों के दिमाग गर्म हो जाते हैं. बाहर रखो तो ग्लास पानी का गर्म हो जाता है. तो अभी हम लास्ट कराची ज्यादा गर्मी है लेकिन कराची में तो बहुत आजकल बारिश हो रही है. कल रात को बहुत बारिश. हाँ बिल्कुल लाहौर में भी बहुत अच्छा मौसम है जब से मैं आई हूँ. आप आई हैं तो साथ लेकर आई हैं नो डाउट अबाउट. मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ बारिश हो जाती है. मोमिना कोई डाउट नहीं है इसमें. ऑब्वियसली आप एक वो कहते हैं ना कि एक बूस्टर होता है एनर्जी बूस्टर शो का. मोमिना इज ऑलवेज लाइक दैट. थैंक यू. So, अब हम डन है हमारा. और एक्सप्लेन लिटिल बिट व्हाट डिड यू डू बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग यू और उन्होंने अगर इस तरह की लुक घर में करनी है तो कैसे करेंगे. सलमान आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं बिकॉज़ पॉइंट ऑफ व्यू जरा बेहतर हो जाएगा. हां एक्चुअली ये जो है बहुत ही लाइट जो है लुक है. आप आईज बंद करिएगा. जैसे कि आप देखें इसकी आईज पे मैंने कोई भी ज्यादा अपनी साइंस नहीं लड़ाई है. मैंने जस्ट उसको प्रोमिनेंट किया है क्रीज को और उसके बाद लाइट सा मैंने उसको गोल्ड दे दिया है ताकि वो थोड़ा सा क्लासी लुक आए. उसके अलावा बेस आप देखें, बेस को आप जितना ब्लेंड करेंगे जितना करेंगे वो उतना ही खूबसूरत आएगा. अब इसके चेहरे पे आप देखें इस मॉडल के चेहरे पे तो मैंने बेस को सिर्फ ब्लेंड किया. मैंने 3-4 चीजें नहीं लगाई हैं. एक चीज मैंने सिर्फ एक चीज लगाई है. नॉर्मली काफी एक्ट्रेसेस आई वांट टू नेम एन एक्ट्रेस माहिरा खान वो उनकी जो वो बेस यूज करती हैं बिकॉज आप भी उसी प्रोफेशन में हो मे बी आपका इंट्रैक्शन हो या मिलती हो तो उनके मोल्स भी प्रोमिनेंट होते हैं. वो इस तरह लोग कहते हैं कि आजकल हम नो मेकअप लुक यूज करें. बिल्कुल तो सेंस लाइक आई कैन सी हर मोल्स आर वेरी मच प्रोमिनेंट. यू हैवंट कॉन्टोर देम एंड यू हैवंट वो आपने कंसील नहीं किया. क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ जो उसका जो ओरिजिनल फेस है उस पर एक और मुखौटा और दिया जाए बहुत सारी बेस में लगा दूँ तो वो बहुत ही अजीब लगेगा. आजकल जो है जो बच्चियां हैं जो कॉलेज जाती हैं यूनिवर्सिटीज जाती हैं इवन जो हमारी लेडीज हैं जो जॉब्स करती हैं लाइक ये मैं और आप समझ सकते हैं जो घर को छोड़ के बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी स्किन को आप केयर करें. सबसे पहला जो स्टेप है जब भी आप बाहर निकले सनब्लॉक का इस्तेमाल जरूर करें. अच्छा, आपकी स्किन जो है इतनी हाइड्रेट होनी चाहिए कि जब आप उस पर मेकअप अप्लाई करें तो वो ऑकवर्ड ना लगे आपका बेस ना फटे. क्योंकि मोस्टली लेडीज जो हैं वो ये कहती हैं कि जी हमने ये आजमाया था किया था उन्होंने हमने वीडियो देखा था तो उनकी तो नहीं फटी थी हमारी तो बेस फट गई. तो ये यही रीजन है. आप नाइट केयर अपनी रूटीन रखें. रात को आप अच्छे से अपने आप को जो है वो स्क्रब करें. होती हैं आपकी इतनी अच्छी होती हैं. बिल्कुल स्क्रब करें सीरम्स लगाएं और उसके बाद नींद अपनी पूरी करें. जैसे कि ये जो हमारी मॉडल हैं सिया इनके इतने डार्क सर्कल्स नहीं थे लेकिन होते हैं मोस्टली लोगों के. उसके लिए कलर करेक्टर इस्तेमाल किया जाता है जो कि मैंने इनके नहीं किया है क्योंकि इसके इतने नहीं थे क्योंकि ये बच्ची है और
अभी फ्रेश फेस है। लोग ये भी पूछते हैं ऑरेंज यूज करूं, ग्रीन यूज करूं, ब्लू यूज करूं, ग्रे यूज करूं, वो भी बताते हैं। बिल्कुल ऑरेंज, हाँ बिल्कुल ऑरेंज जो होता है वो आपके डार्क सर्कल्स के लिए होता है। ठीक है, जो भी आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स होते हैं, लाइक ज्यादा होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, हमारी नोज के पास होते हैं और हमारे ये होंठों के पास होते हैं, ये साइडों पे, उसके लिए ऑरेंज कलर करेक्टर यूज होता है। और जो ग्रीन होता है वो पिंपल्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके मुंह में बहुत सारे पिंपल्स हैं तो वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। मेरा आप अब मेकअप पूरा कर लें, yes. हम वापस आते हैं आपकी। ओके, छोटी सी ब्रेक पे हमने जाना है तो हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। और आपने देखा हमारे किचन में बहुत मज़ेदार किस्म के पॉकेट्स बन गए, शवरमा पॉकेट्स। मेकअप हमारा हो रहा है तो अब हम बात करते हैं कि हमने अपने आप को खूबसूरत कैसे दिखाना है। जैसे मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ तो सलमान बताएंगे, सहुमा भी ये कह रही थी कि हमें कैसे लुक लानी चाहिए, कैसे लगना चाहिए, बिकॉज हम वर्किंग वुमेन हैं। तो सलमान, वर्किंग वुमेन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? लाइक एवरीडे रूटीन, यू आर डीलिंग इन कैजुअल्स, यू नो, तो कैजुअली आपको कैसे, हम वुमेन को कैसे कैरी करना चाहिए? देखिए, हर ऑफिस का एक अपना डेकोरम होता है। कई लोग यू नो पैंट्स शर्ट्स में रहती हैं, यू नो बटन शर्ट एंड पैंट्स होती हैं। कई लोग यू नो शलवार कमीज में, जब बैंकर्स हैं आप बैंक में चले जाएं तो वो उन्होंने पाकिस्तानी हमारे क्लोदिंग को फॉलो किया होता है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा लिमिटेड और थोड़ा सिंपल रहना चाहिए। अगर आप वर्किंग वूमेन तो जितना आप समझती हैं कि आपको आप कैरी कर सकते हैं, सॉलिड कलर्स में रहना चाहिए, कोई बहुत वाइब्रेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो आप बैठे हुए हैं, उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इजी होना चाहिए, मेरा ये है। अच्छा, वैसे मुझे ऐसे लगता है वाकई सॉलिड्स में आप लगते अच्छे हैं। कलेक्शन इतनी सॉलिड्स की हो गई कि फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं रहती, ऑप्शन नहीं रहती। लेकिन फिर बंदा फ्लोरल और ऐसी चीजें कहाँ यूज करे? इवनिंग वेयर, इवनिंग वेयर, आप इवनिंग वेयर, आप बैंक से निकले, आप अपने ऑफिस से निकले, शाम को आप जाए कहीं पार्टी पे, कहीं डिनर पे, बर्थडे बैशेज, आप कोई अच्छे ऐसे फ्लोरल चीजें पहने तो यू नो आपको करना चाहिए। बैल मेरा ख्याल है वर्क मोड को और जो एंटरटेनमेंट मोड या जो आपका डिनर मोड है उसको डिफरेंशिएट होना चाहिए। हाँ, तो वो ज्यादा, मेरा ख्याल है वो ज्यादा अच्छा लगता है। एक पिक्चर आ जाए कपड़ों में तो वो तो फिर वो दोबारा लगनी, वो तो फिर सूख जाएगी, ये तो बहुत बड़ा मसला है, कॉमन प्रॉब्लम है ना, तो बहुत प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा मसला है। मानिए आपके साथ भी होता है, क्लाइंट कहते नहीं ये मेरे पैर अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये पिक्चर लग गई है, बिल्कुल। हाउ डू यू चेंज इट? है ना, पहले तो मेरे पास ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं कहते जो हमारा एक डिजाइन है बन गया, उसको आप उसको ना फाड़ के फेंक दे, जो बटर पेपर होता है आपने दोबारा बनाना नहीं, लिटरली, एंड पीपल पेड मी फॉर दैट, लिटरली, इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, हां लिटरली आई एंड आई चार्ज फॉर दैट। अच्छा, यू चार्ज? हां, कि नहीं ये चीज नहीं बनी। आपको कैसा लगता है ये, मतलब अगर आप जैसा ड्रेस किसी और ने पहना, तो डिजाइनर है। हाँ, आप अब थोड़ा आपने बड़े सवाल किए। मैं बिल्कुल डिजाइनर हूँ और मेरे अब मुझे लगता है कि मैं मैसेस के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर रही हूँ, बिकॉज पहले एक क्लाइंटेल थी, थोड़ा नीश क्लाइंट को मैंने डील किया है, मगर इट्स लाइक इट्स हाई टाइम टू डील विद मैसेस। जितने मैसेज होंगे आप उतना ही ज्यादा इन्फ्यूज करोगे, पेनिट्रेट करोगे ऑडियंस के अंदर, जितनी ऑडियंस आपके ब्रांड को पसंद करेगी उतने ऑर्डर्स आपको आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बातों का सिलसिला चल रहा है और हम कुछ गाना ना सुने, तो अमन से हम सुनते हैं बड़ा मजेदार सा गाना, क्योंकि अमन की आवाज बहुत खूबसूरत है। अमन क्या सुनाएंगे? एक खूबसूरत सॉन्ग रूना लैला जी का, काटे ना कटे। अच्छा, रूना लैला जी का, बिल्कुल।
आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं और हमारा जो लाउंज है वो सब बैठ गए हैं, स्टेशंस में काम हो गया हुआ है, मेकअप के लिए देखा सिया कितनी प्यारी लग रही है और मोमिना उनको बहुत प्यारा तैयार किया है। सिया की लुक बहुत अच्छी आ रही है, सिया की अगर हम बात करें क्लोजअप दिखा रहे हैं तो सिया वेरी सॉफ्ट और सिया लग रही है कि सिया ही है। होता ना अक्सर हम लोग कहते हैं वो पूरी प्लास्टिक की गुड़िया बना देते हैं, होता है ना कि डिफरेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी यू नो मेकअप आर्टिस्ट, बट स्टिल होता है कि आप बहुत ज्यादा मेकअप अप्लाई करते हो। एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है जो हमें चेंज करना है, हमें कुछ नया लेकर आना चाहिए क्योंकि पहले जो है टीवी स्टिक्स इस्तेमाल होती थी तो उससे आपको पता ही है पीटीवी के दौर में जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया था सॉरी तो वहां पे यही होता था, मेकअप होता था और ब्लेंडेड, अब ब्लेंड मेकअप होता है, मेन चीज होती ही ब्लेंडिंग है, आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका मेकअप उतना ही प्रोमिनेंट होके बाहर। सिया आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा मेकअप यकीन माने मैंने कहीं भी नहीं देखा, जितने भी मैं सेट्स पर गई हूँ सब मुझे ऐसे बना देते हैं जैसे पता नहीं क्या है और मेरी हर सेट पर लड़ाई होती है कि यार व्हाट इज दिस, मैं खुद अपना मेकअप ही कर लेता, मैंने पैसे दिए थे। अब रिसेंटली मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है ईद पर लाहौर कलंदर, तो उसमें मेकअप मैंने खुद ही किया था। अच्छा अच्छा, लाहौर कलंदर में हो आप? हाँ जी, मैं उसमें सिखनी का कैरेक्टर मैंने किया है, तो बहुत अच्छी गई है फिल्म और सबने पूछा कि ये सिया तुम्हें मेकअप किसने किया, मैंने कहा भाई मैंने खुद ही किया क्योंकि वो तो बस ऐसे कर करके आ भी जाता है ना आपके ऊपर, आपको पता लगता है आपके फीचर्स किस तरह के हैं। तो हुमा अच्छा चेंज है बिल्कुल, और गर्मी के हिसाब से लाइट सा है और मेरे ख्याल से कैरी करना आसान है। सलमान आपको आउटफिट पे ठीक लग रहा है? मतलब कि आउटफिट वाज ऑफ योर चॉइस। मुझे बेस्ट पार्ट इसका ये लगा कि इसने इसकी जो बेस का कलर था ना, जो इसका ओरिजिनल कलर है जो इसका, उसको नहीं मतलब उसको वही मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। हाँ, और यही बेस्ट पार्ट है, ये नेचुरल लगता है ना। तो अब आप तो नहीं कहेंगे कि रेड लिप्स? नहीं नहीं नहीं, मैं तो रेड लिप्स के हक में नहीं था, वो तो पसंद ही नहीं है। नहीं, मुझे रेड नहीं अच्छी लगती है, खवातीन को ज्यादा रेड अच्छी लगती है, मर्द हजरात को नहीं अच्छी लगती क्योंकि मैंने काफी लोगों सुना कि रेड, मुझे नहीं तो रेड नहीं अच्छी लगती बिल्कुल नहीं। वो जो मेल जो कहते हैं आप पहले इतना खून पीते हैं ऊपर से रेड लिपस्टिक लगा लिए इसलिए उनको, हां ये अक्सर खून पीने को इसलिए उनको रेड पसंद नहीं। तो मैं ये तो बड़ी मजेदार कि आपको किसी ने कहा तो नहीं ये बात? नहीं नहीं। अच्छा, तो थैंक यू सो मच मोमिना, और हमेशा जब आती हो ना तो मजा आ जाता है, मतलब कि बूस्ट मिल जाता है। ऑब्वियसली सब यही कहते हैं कि तुम एक वाइब हो, मोमिना का मतलब है कि हाँ मैं एक बूस्टर हूँ अपनी फैमिली में भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये गॉड गिफ्टेड चीज होती है आई गेस, तो तुमने बुलाया था तो मैं कैसे नहीं। प्लेजर प्लेजर इज ऑल माइन। और हुमा मैं तो भी इस टीम का हिस्सा हूँ, मुझे थैंक यू ना बोले। हुमा रोज कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं और कहते हैं ना कि बहुत इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मेन मतलब मेन सेगमेंट में, कुकिंग का वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक यू सो मच सलमान, और प्लेजर मीटिंग यू, सेम हियर, गुड टू सी यू, गॉट टू नो अ लॉट ऑफ कॉमन फ्रेंड्स थ्रू यू, बट इट वाज अमेजिंग। या सेम हियर, कलेक्शंस लेकर आए और फिर आपकी कलेक्शंस हम पहनेंगे डेफिनेटली। ये अभी एक मेरी आने वाली है, एक मेरी आने वाली इंशाल्लाह, आई विल कम विद दैट। थैंक यू सो मच अमन, आपका भी, आपकी आवाज बहुत प्यारी है और आपने जिस तरह इतने मुश्किल गाने जिस तरह गाए हैं ना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है इतने पुराने गानों को वापस गाना और उस तर्ज में गाना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, और आपसे पहली मुलाकात थी काफी टाइम बाद, मैं ए प्लस पे आई और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के, और आपकी तबीयत बहुत अच्छी है, रवैया बहुत अच्छा। इनको पहली दफा मिलके लगता है बहुत दफा मिल चुके हैं, बचपन के साथ ही रहे हैं हम लोग, ऐसे ही है पता है, वो एक वाइब होती है, वो है आप वेलकमिंग हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपके लिए चीजें भी आसान हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच, और हम कल अपने व्यूअर्स के लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे, नए गेस्ट होंगे, सेट वही होगा, मैं भी वही होंगी, बाकी सब कुछ चेंज होगा, तो मिलते हैं कल, तो देखते रहिए, पसंद करते रहिए हमारा मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग धनक।